हेलो एंड वेलकम टू द उल्टा फुल्टा क्रिकेट शो. आज क्योंकि मैं यहां अकेला हूं तो शुरू करते हैं वर्ल्ड कप 2019 की लेटेस्ट न्यूज के साथ. आज की हेडलाइंस एक बार और लेता हूं. या आज की हेडलाइंस नकुल ओ हाय आप yes. भी आए. दो एपिसोड्स के लिए मिसिंग क्या था, सब कुछ बदल गया, मुझे बताया नहीं किसी ने. नहीं, आज मैं भी हूँ आपके साथ एज अ को होस्ट और मैंने तो क्रिकेट भी खेला है. हाँ, कोई नहीं, वी कैन डू दिस टुगेदर, वी विल बिल्ड अ गुड पार्टनरशिप. दैट्स बेटर. या तो आज की हेडलाइन से शुरू करते हैं. विराट कोहली ने अपनी गाड़ी को फिल्टर पानी से धोया और फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भी धोया. आई मीन ब्रिलियंट नॉक. मैंने सुना था कि विराट कोहली ने चिकन खाना छोड़ दिया है, पर ऐसे लग रहा है कि अभी तक वो कैंगरू खा रहे हैं. मतलब खाना भी चाहिए. The kind of record he has against Australia, लाजवाब. Incredible. आज की ताजा खबर में दूसरी न्यूज, शिखर धवन ने दी अपने अंगूठे की कुर्बानी. Nice one, ना? मतलब क्या नॉक था वो. फ्रैक्चर होने के बाद भी पेन के थ्रू जाके खेलना. इफ यू नोटिस कि जस्ट लगने के बाद वो कुछ बॉल्स पीछे जाके खेल रहे थे. उनको पता था उनका के हाथ पे लगा है. हाँ. और बैक फुट पे जाके खुद को थोड़ा सा टाइम दे रहे थे. मतलब जो समझते ना सब लोग कि शिखर धवन बस मसल वाले हैं ना. हाँ. दिमाग भी है उनके पास. और आपको लगता है उन्होंने रियलाइज किया होगा कि हाउ ग्रेव द इंजरीज एट दैट टाइम, और डिड ही जस्ट प्ले एक जज्बे के साथ, आप यू नो यू वांट टू गो ऑन प्लेइंग फॉर योर कंट्री. सो फ्लो में हो जाता है वो, बाद में पता चलता है. स्पेशली हैज इट हैपेंड टू यू, यू प्लेड विद एन इंजरी. बिल्कुल. इंग्लैंड के वेदर में तो बाप रे पूछना ही मत. जैसे ही बॉल हाथ को लगता है ना, जब तक मैच चालू है तब तक हाथ गर्म है, तब तक ठीक है. बाहर जाने के बाद जो ब्लैक और ब्लू होता है ना सब कुछ, बाप रे. पर उस ठंड में, when your hands get numb, do you even realize the pain because it must be so cold, freezing. Tell you a secret, ये सारे professional cricketers ना pockets में warmers रखते हैं, where you can just put your hands in your pockets and their hands get warm again, और फिर बाहर आके फिर वापस थोड़ा बहुत फील्डिंग कर सकते हैं. You know, this incident actually reminded me of एकलव्य and द्रोणाचार्य. द्रोणाचार्य had asked एकलव्य to give his thumb. बिल्कुल. यहाँ पर कोहली ने बोला कि make me a give me a great start and that's exactly what Shikhar Dhawan did. Yes. तो अगली हेडलाइन है, इंग्लैंड को दे रहे हैं एक नया नाम, इंडिया. ओवल को देखा, ब्लू ही ब्लू. और बैलेट वाला सिस्टम रखा ना तो यही होने वाला था. क्योंकि जो अगर 10 इंग्लिशमैन और 50 ऑस्ट्रेलियन अप्लाई करेंगे ना तो 1000 इंडियन अप्लाई करने वाले हैं. वही हुआ. एंड क्या एटमॉस्फेयर था. आगे जाके हर कंट्री में मुझे लगता है यही देखने वाले हैं. हम एमसीजी पे भी लास्ट ईयर मुझे याद है 80-90,000 पीपल, उसमें से 75,000 तो इंडियन थे. नो, आई थिंक आगे जाके कोटा सिस्टम जो इंडिया में काफी हर जगह कोटा होता है, दे शुड हैव वन फॉर लाइक द ऑस्ट्रेलियंस, माइनॉरिटी अदर टीम प्लेइंग. यार देयर शुड बी सम माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन. इट कांट बी कि 30 पीपल शोड अप फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और वो भी उसमें से सपोर्ट टीम प्लेयर्स, सपोर्ट स्टाफ, ऑल ऑफ देम. सो एंड द वाइव्स एंड द गर्लफ्रेंड्स. बट या अगली जो आज की हेडलाइन वो है, विराट कोहली को धोनी ने चौंकाया. बोलते हैं ना ओवर एक्टिंग के 50 कट, विराट कोहली के 50 रन कट होने चाहिए जो उन्होंने कैमरा के लिए एक्टिंग किया. मुझे तो लगता है पर क्या किया यार, क्या किया? एक काम करते हैं, आई एम गोना ट्राई एंड रिक्रिएट दैट धोनी शॉट. ओके, व्हाट डोंट यू रिक्रिएट द कोहली एक्सप्रेशन फॉर अस. कम सर, वी कैन डू दिस. मैं क्रिकेटर हूं, एक्टर नहीं. नहीं, यू क्वाइट अ यूट्यूबर स्टार हैं आप, यूट्यूब में जानता हूं. सो आई थिंक यू कैन डू इट. ओके, धोनी वेरी कैजुअली. Actually, you should play that shot. Chalo. And let me be a Kohli. Whoa! But yes, जो हमारी अगली हेडलाइन वो है, विराट कोहली ने क्राउड को जेस्चर किया. That was not overacting at all. मतलब कोहली से प्योर क्लास. वो कहते हैं ना, स्पोर्ट्समैन एक ब्रदरहुड है, सब लोग एक दूसरे के अगेंस्ट बहुत लड़ते हैं. ऑफ कोर्स कोहली ने वो थर्ड अंपायर वाले मामले से, जो इंडिया में टेस्ट सीरीज के बीच में स्टीव स्मिथ के साथ थोड़ी सी स्लेजिंग वगैरह हुआ था. हाँ, पर यहाँ पे जो रिस्पेक्ट उसने दिखाया ना, आई मीन दैट इज जस्ट टॉप क्लास. इनक्रेडिबल. आई मीन इट्स समथिंग लाइक दिस इज नेवर, वी हैव नेवर सीन दिस इन मॉडर्न डे क्रिकेट. एंड कोहली जो इतने जोशीले एंड यू नो यूज्ड टू बी दिस हॉट ब्लडेड, बट आई थिंक दिस इज एवोल्यूशन. बिल्कुल, इसमें बिल्कुल ओवर एक्टिंग नहीं था. इसमें मैच्योरिटी दिख रही थी, उसमें वो कोहली के लीडरशिप क्वालिटीज जो हर साल बढ़ते जा रहे वो दिख रहा था. एंड ह्यूज रिस्पेक्ट गेन्ड. ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी लोग कोहली को बहुत मानते हैं, अब और भी मानेंगे. और फाइनली इस हफ्ते की बिगेस्ट न्यूज, युवराज सिंह ने इंटरनेशनल क्रिकेट से अनाउंस किया अपना रिटायरमेंट. यूवी, व्हाट अ प्लेयर.
What a player. I mean, Indian fielding, उन्होंने पूरी तरह बदल दी. I think ये सबसे शायद उनका बड़ा contribution होगा. And वो 325 वाला chase कौन भूल सकता है? उस ज़माने में तो 2002 में लगता था कि 300 से ज़्यादा बनाए हम. वो ही नहीं सकता. We are done. Game over. 325. वो भी lords में. बिल्कुल. तो उस pressure में युवराज और KF partnership. What an innings. पर युवराज की एक स्टोरी मुझे बिहाइंड द सीन्स वाली स्टोरी ज्यादा पसंद है. बताओ बताओ, कम ऑन. कि ऑफ कोर्स उनके फादर भी इंडिया प्लेयर थे, युवराज सिंह जो मूवी स्टार भी हैं. स्टार भी हैं. युवराज को उठाने के लिए कभी-कभी वो ट्रेनिंग के लिए उठते नहीं थे, तो चंडीगढ़ की सर्दियों में बर्फ वाला पानी बाल्टी में डाल के बेड पे उठाते थे. तो जब ऐसे टफ वाला ट्रेनिंग होता है ना, प्लेयर बनता भी है और कभी कभी प्लेयर गेम से टर्न ऑफ भी हो जाता है. पर युवराज के साथ ऐसे नहीं हुआ. वो जो पैशन था ना, वो बरकरार रहा. मुझे इनफैक्ट युवराज सिंह की व्हेनेवर आई थिंक ऑफ हिम ना, इट रिमाइंड्स मी ऑफ एंड्रे एगसी. इफ देयर वर पैरेलल्स, ही एंड हिज फादर रियली फोर्स्ड हिम टू प्ले द स्पोर्ट एंड देन ही वाज सो गुड एट इट दैट ही लाइक, मैं अब और क्या करूं, आई हैव टू. बिल्कुल. एंड देन सी हिम इवॉल्व टू बी द वर्ल्ड चैंपियन ही इज एंड नाउ यू नो बी सच अ चैंपियन फॉर द स्पोर्ट. लाइक यू सेड, ही टॉट अस हाउ टू फील्ड इन अ वे. इफ दादा टॉट अस हाउ टू विन एज अ कैप्टन ओवरसीज, गेम चेंजर. ही वाज अ गेम चेंजर. Absolutely.